भाजपा से। आज भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बैनर तले आज हम एक शिष्टमंडल लेके डीसी साहब से मिलने आए हैं। बहुत सारी समस्याएं हमारे जो कंडी क्षेत्र की, सबसे जो मूलतः एक मेन समस्या थी रोड की, जिसके लिए आज हम आए हैं। 70 साल के बाद भी आज वहाँ पर लोग चलने के काबिल भी रोड नहीं है, तो इसीलिए आज हमने जब भाजपा के अपने शीर्ष नेतृत्व से बात की तो उन्होंने कहा कि आप आएँ, हम डीसी साहब के साथ मिलते हैं। तो एक तो रोड का बड़ा तगड़ा इशू, दूसरा जो हमारा यहाँ पर जिस इशू को लेकर आज हम आए हैं वो जो PDD डिपार्टमेंट ने बिल्स जो दिए हैं, हमारे पास कुछ कॉपीज़ पड़ी हैं। एक खाली खाली बंद जो घर हैं, जो टपरा जिसको कहते हैं, जो कुल्ले जहाँ पर गुजर लोग रहते हैं, बकरवाल भाई रहते हैं, ये 1.5 लाख रुपये बिल जो उनका आया है। सो ये दो चीज़ों के लेके आज हम डीसी साहब से मिलना चाहते हैं। जो रोड की जहाँ तक सवाल है, रोड का करीब करीब 5 किलोमीटर का पैच है जो बने ही नहीं है। जहाँ तक रिहाइश नहीं थी डिपार्टमेंट ने वहाँ तक रोड बनाया है, जहाँ से रिहाइश शुरू है डिपार्टमेंट ने रोड बनाया ही नहीं है। हालत ये हो गई है कि इन लोगों को 5 किलोमीटर पैदल चल के आज के दौर में भी पहले अमाला आना पड़ता है, फिर वहाँ से ही ऑटो लेकर हमीरपुर पहुँचते हैं, फिर मेन रोड पर निकलते हैं। सो बाकी बातें प्रेम जी करेंगे। ये भाजपा की तरफ से ये बिल है, आप देखें कॉपीज। तो बाकी बाकी बातें जो हैं वो आप देखें क्या तय होता है। डीसी साहब से मिलके वो बैठक में है। सो उम्मीद है कि आज मसला हल होगा। सो बाकी ओवर टू प्रेम जी। हमारे कर्णवीरों ने सुनाया है कि भाई जरा एक ग्रां है 7 किलोमीटर रोड, 5 रोड 2 प्लस होर सना दे कन्नै 7 किलोमीटर रोड है उत्थों रोड। अज के युग जिसलै मिगी भी सनाया तो मिगी कोई यकीन नहीं होया, फिर मैं डिटेल च नहीं पुछया तो सुना दे कि लगभग कोई 6 महीने का टेंडर वह हो चुके, टेंडर लेदा लोकें, और ये दुर्भाग्य है साढ़ा इतने कि लोग सरकार अज खुले पैसे दे दी, मोदी सरकार खुले पैसे दे दी, लेकिन ठेकेदारें कुछ ऐसी मानसिकता होंगी गल है कि कम ले लैने, तो फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जेडे नुकताचीनी सरकार के उपर करते हैं कि बई वो जथाने का काम नहीं लगा था, वो कह नहीं लगा था जथाने का ब्रिज का ट्रैवरिटी जरा जरा ठेकेदार है वह मुकरी आ, सरकार का टेंडर करा दी है, वो डॉक्टर जितेंद्र ने नहीं बना है, ठेकेदार ने गै बना, लेकिन जेडे काम लेते हैं उनके कहीं काम करते बई, उनके काम तो करो अपने बारी कोई कानून नहीं, तो दूए बारी जो डॉक्टर जितेंद्र उपर फटाफट जिन्हें कुछ आए कायाकल्प कौड़िया इस प्रदेश का, और जी सी कॉन्स्टिचुएंसी आज वो काम जो 70 सालों के लोग जो कुछ जिंदे नारे लाते हैं लोग है उन्हें कुछ 2-1 रुपया नहीं कुछ लाया इस इलाके अज रोकने की बहार आई दी है। तो अज कम जो टेंडर भी ले लें लोगों एक गल नहीं करा, बड़े सारे लोग ने जो कुछ ना कुछ और विचारधारा कहीं जुड़े हैं गल है, भारतीय जनता पार्टी जिंदा मुर्दाबाद भी आखिर बाद भी कम ले लेने काम भी नहीं करने और सरकार की बदनामी करनी गल है ना। ये भी कुछ ही जरा मैंने सुनाया है, ये भी कुछ ही जल्द केस है, तो सरकार की थोड़ा इन चीज़ों पर सख्त होने पौना और जेड़े लोग असें लोगों भी पहचानने पौना कि सरकार पैसा दे दी है, अगर सरकार पैसा दे दी है तो ये लोग कौन जेड़े उस इलाके का विकास नहीं चाहते हैं। सर जैसे कि आपने बताया जे उसी की डिमांड हम करने जा रहे हैं, लोगों के पहले नलायक लोग भर्ती कर रखे हैं उन्होंने, वो लोग अभी उनकी एफिलिएशन अभी वहाँ पे हैं, तो इसलिए वो जानबूझकर मैं कहूँगा कि ये सरकारी सिस्टम है, ये जानबूझकर इन चीज़ों को डिले करता है ताकि सरकार की बदनामी हो, जबकि सरकार तो पैसा दे चुकी है। अभी देखते हैं कि हर हफ्ते ब्लॉक दिवस का आयोजन होता है, लोगों की समस्या सुनने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकार ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, लेकिन उसको देखिए एक कमरे में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन गांव के लोगों के बीच में नहीं आयोजित किया जाता। क्या इस तरह की समस्याओं के लिए ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन को जिम्मेदार नहीं ठहराते आप? देखिए मैं ये कहूँगा, आज मुझे पता नहीं, आज सुना है कि यहाँ पे हो रहा है, इनका क्या वहाँ इनकी क्या कार्य व्यवस्था है, लोगों ने डिमांड ना की हो मैं इस चीज़ को नहीं जानता। हालांकि ब्लॉक दिवस जो है वो वहीं पे होना चाहिए, गांव में अगर होता है तो लोग यहाँ किराया खर्च करके कौन आएगा, ठीक है ना, अगर गांव में होता है तो हर आदमी अपनी बात रख सकता है, तो इसलिए इन चीज़ों को वहाँ आयोजन। लेकिन बात यह है कि जो बातें वहाँ रखी जाती हैं क्या उनका क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो भी तो होनी चाहिए। अगर वहाँ पे ब्लॉक दिवस पहले जो मैं सुन रहा था वो गांव में ही हो रहे थे, अगर वहाँ गांव में हो रहे हैं तो उसके बाद अफसरों ने क्या उन चीज़ों को जो डिमांडें रखी गई, जब सरकार कोई इसी चीज़ को ना नहीं कर रही तो ये अफसर लोग जो हैं ये क्यों नहीं उन चीज़ों पर कार्रवाई कर रहे हैं।